वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज का शो हमारा कुछ इंटरेस्टिंग इस तरह से होने वाला है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम उनके सॉल्यूशंस देने वाले हैं। और उसके लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आज हम बात करेंगे टीनेजर प्रॉब्लम्स के हवाले से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो कहले बेरारवी भी है, लेकिन उस तमाम चीज़ों को एड्रेस करना और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढना और उनको बताना। आज हमारे साथ मौजूद होंगी लाइफ कोच हैं, बेसिकली डॉक्टर भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ जो कह लें आप बहुत सारी चीज़ें उनकी उनकी जो प्रोफाइल है बहुत वर्सेटाइल है। वेलकम करते हैं डॉक्टर शवाना मुफ्ती का। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपसे मिलकर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद। एंड यू लुक सो प्रिटी एज ऑलवेज, थैंक यू। अच्छा जनाब डॉक्टर शवाना, हम बात करते हैं टीनेजर्स के प्रॉब्लम की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम बात करते हैं अल्कोहल की, हम बात करते हैं उनकी बेरारवी की, मूडी हैं, बात नहीं सुनते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज हमें सॉल्यूशंस को लेके चलना है। जबरदस्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, माँ बाप कहते हैं जी कि बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते। मेरे ख्याल अगर माँ बाप की बात सुन लें तो काफ़ी मसले मसाइल खुद ही हल हो जाएं। तो जब भी कोई, मैं हमेशा कहती हूँ अमला कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो देखो का उसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज जब अगर आपको पता चल जाए और वो आप आइडेंटिफाई कर लो तो उससे ये होता है कि फिर उसके मसले और जो उसका सलूशन होता है ना, वो उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो हम हमेशा ये बात कर देते हैं जी कि बड़ी बेरारवी है, जिस तरह अल्कोहल है, आपने कहा इतनी और चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आजकल तो लोगों के जो हैं वो कहते हैं डेटिंग बहुत है, बात नहीं सुनते, और बड़े मसले, डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन के बाद फिर आजकल मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे रिसेंटली न्यूज़ में भी पता चला कि इतने बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। बेशुमार मसले हैं। सबसे पहले जो है जी, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू जनरेशन। माँ बाप को जो सबसे बड़ा कंप्लेन है कि हमारी बात नहीं सुनते, बदतमीजी करते हैं, बेअदब हैं, उसके लिए जनरेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को बताने की बजाय अगर आपके ऑडियंस माँ बाप हैं और पेरेंट्स आपकी बात सुन लें और थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, फ्लेक्सिबल कर लें और थोड़ा सा रिसेप्टिव होकर सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मसला ये होता है कि टू जनरेशन के अंदर जो आजकल की जनरेशन है ना, जिन्हें मिलेनियल्स कह लें, जो यंग बच्चे हैं, वो आजकल क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को। अगर आप उनको ये कह दो ना, बस दैट्स व्हाट इट इज़, माँ बाप हैं, ऊपर खुदा नीचे माँ बाप, माँ बाप ने कह दिया कि ये बस करो, तो वो समझते हैं माँ बाप के बस बच्चों को आगे से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछली जनरेशन, जो उन माँ बाप की इससे पहले जो जनरेशन थी वो क्वेश्चन करती नहीं थी। वो क्वेश्चन क्या, आपका टीचर आता था या माँ बाप आते थे तो आप अदब से खड़े हो जाते और सहमा हुआ डरा हुआ माहौल होता था। माँ बाप ने कहा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए। माँ बाप ने कहा जी टीचर बनना है, तो टीचर बन गए। जो माँ बाप ने कहा वो आप बन गए। आजकल के बच्चे कहते हैं जब तक आप उनसे लॉजिकल बात नहीं करेंगे वो कहेंगे वाई। उनका जो वाई है ना, WHY, दैट्स एवरीथिंग और वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इट्स नथिंग रॉन्ग विद द जनरेशन, डिजिटलाइजेशन हो गई हुई है, पूरा जो पूरी वर्ल्ड है वो पूरा अर्थ प्लैनेट एक बन गया है, इट्स वन। आपके पास हर बच्चे के पास जो है आजकल GPS है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। मैं लाइफ कोच हूँ, मैं आपको जितने मर्जी लेक्चर दे दूं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है और यू आर रिसेप्टिव, आप जाके गूगल से, यूट्यूब से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट द इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर। मसला ये है कि वो बच्चे जब आपसे आके बात करते हैं और माँ बाप उनको वाई का जवाब नहीं दे सकते और आगे से डांट देते हैं, तो बच्चे और दूर हो जाते हैं। फिर वो जब दूर हो जाते हैं, दूरियाँ बढ़ते बढ़ते जो होती हैं, वो जाके बाहर जो है अपने दोस्तों यारों में गलत कंपनी में फंस सकते हैं। और इस एज में, ये जो एज होती है ना बिटवीन 12 एंड 26, इसमें तो बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप ही नहीं होता। उसके अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इन्फॉर्मेशन बहुत गैदर करते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रेन होता है, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया होता है जहाँ से सोचने समझने की सलाहियतें आती हैं, वो बना ही नहीं होता अभी। एडल्ट ब्रेन तो जाके बनता है 26 साल के बाद। तो उनके इस वक्त जो सबसे ज्यादती होती है वो हार्मोन्स की होती है। उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है इस हाईजैक्ड बाय हार्मोन्स, उनका जो सोशल प्रेशर जो होता है और जो इमोशनल ब्रेन, जो पीछे वाला ब्रेन होता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है। अभी मैंने कल टॉक की थी UCP के अंदर और मैंने न्यूरोसाइंस के ऊपर बात की, बच्चों से बात की, स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी के उनको बताया है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करें तो बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि अगर आपका IQ जो भी हो लेकिन अगर EQ ज्यादा है तो उसमें आपको बड़ा फायदा होता है टू बिकम सक्सेसफुल। स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं और आजकल वो ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि माँ बाप ने करना क्या, ठीक है? माँ बाप से डायरेक्टली बात करते हैं, अगर वो शो देख रहे हैं आपका, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि माँ बाप सबसे पहले समझ लें कि उनका रोल क्या है लाइफ के अंदर। जिस तरह डॉक्टर डॉक्टरी करता है, साइंटिस्ट जो होता है उसको साइंस में इंटरेस्ट होता है, माँ बाप का मतलब ही ये बाई डेफिनेशन सेल्फलेस लव। आपका बच्चा जो मर्जी कर ले,
आपका बच्चा जो है वो आके कहे कि जी मुझे ये चाहिए, या मुझे इस लड़की से इश्क हो गया, या मैं ये काम कर रहा हूँ, या मैंने ट्रैवल करना, या मैंने ये वाला करियर परसू नहीं करना जो आजकल बड़ा अपने ड्रीम्स के पीछे जाते हैं, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, नो मैटर व्हाट, माँ बाप ने सेल्फलेसली बच्चों को मोहब्बत करनी है। हमारे ही होता है वो पुराने जमाने वाला डंडा पीर, डंडा पकड़ के उनको सही पटाई करो, फिर वो कहते हैं हाँ, पाकिस्तानी कौम जो है वो सारी ये सारे चोट का है हर अम्मी अबू के पास। मसला ये नहीं है आप बच्चों को दूर कर देंगे, आपने जनरेशन गैप कम करना है कम्युनिकेशन से, और डंडे से कभी कम नहीं होगा, ये तो बात समझ लें। आजकल के बच्चों को तो आप बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते, कन्विंस और कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तो ये बात समझें, मोहब्बत करनी है, सेल्फलेस लव करना है, ठीक है, एज ए पेरेंट आपका ड्यूटी है, जब बच्चे पैदा करने का डिसीजन किया था, कॉन्शियस डिसीजन किया था, तो इट कम्स विद द पैकेज कि आपका बच्चा 24/7 इज योर जॉब, ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपने ये करनी है कि बच्चे जो होते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा जब आके आपसे क्वेश्चन करता है, वो पहले ही एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आता है, उसे पता होता है 80% माँ बाप ने नो करना है, उसे पता होता है कि ये काम जो मैं माँ बाप से पूछने जा रहा हूँ वो ज्यादातर उनके एक कंडीशनिंग हुई होती है, घर का माहौल होता है, उनको पता होता है कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, ठीक है, या वो वही क्वेश्चन करके हेजिटेशन में आके माँ बाप से पूछते हैं जहाँ पे उनको थोड़ी झिझक होती है, वरना तो नहीं पूछते, जो सीधा काम होता है माँ बाप भी करने देते हैं। माँ बाप को मैं एक ट्रिक देती हूँ यहाँ पे, पेरेंट्स ने कभी भी टीनएजर्स को, टीनएजर्स जो होते हैं वो थोड़े से बागी होते हैं, ये ना पूरे एडल्ट हैं ना बच्चे हैं। ये भीच की कौम है, एक बागी सी कौम है। जिनको इस कौम को पता ही नहीं है कि हमने करना है क्या लाइफ में, हाँ। जो लॉस्ट हैं, अगर आप उनको एक अच्छी मेंटोरिंग, अच्छा गाइड, अच्छा टीचर नहीं प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा चांसेस है। और आजकल के जमाने में जब फ्रीडम इतनी हो गई है और डिजिटलाइजेशन इतनी हो गई है कि वो बेराह रवि की तरफ आप उनको पुश कर देंगे, बिल्कुल, आपने उनको नो किसी हाल में, नो इज नॉट द वर्ड इन योर डिक्शनरी, एनओ का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। लोग कहेंगे जो मुझे देख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ऑल द टाइम हम उनको यस हाँ तो नहीं कह सकते, हाँ तो नहीं कह सकते, बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपने उनको हाँ नहीं कहना, ठीक है, नो नहीं कहना, लेकिन ये भी नहीं कहा कि हाँ कहना, हाँ कहना ये भी मैंने नहीं कहा, तो बीच का रास्ता बता मैं आपको बताती हूँ। ये बात बड़े गौर से समझ लें, सुन लें, बच्चा जो मर्जी अब कोई भी मसला लेकर आ जाए, कोई भी जिंदगी का मसला, आपने नो नहीं करना। हमारे माँ बाप का होता है कि राइट अवे तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई, हाँ। तुमने ये कैसे कह दिया, नो से बात स्टार्ट होती है, नो से सेंटेंस स्टार्ट होता उसके बाद फिर शायद कभी कभी मान भी जाते हैं। हाँ। अच्छा अब आपने ये करना है कि बच्चे को आपने कहना है यस यू कैन डू इट, बच्चे ने कहा मैंने वेकेशन पे जाना है, यस बेटा यू कैन डू इट, मैंने जो है फलां काम करना है, हाँ। मैंने छुट्टी करनी, यस यू कैन डू इट, साथ ही एक पॉज छोटा सा वक्फा, उसके बाद कहना है जो लेकिन का वर्ड है ना, या इफ का, अगर का, ये चीजें सीख लें। यस से स्टार्ट करके बच्चे की अटेंशन आपने अपनी तरफ मतवज्जो कर ली, बच्चे को बता दिया कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें वैलिडेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ। नो से वो पहले ही आपने उसको धक्का दे दिया। यस से आपने उसको खींच लिया अपनी तरफ, मतवज्जो की अपनी तरफ, तवज्जो मबजूल करा ली, फिर उसके बाद थोड़े से वक्फे के बाद, लेकिन बेटा तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, तो ऐसा करते हैं कि ये अगले 3 हफ्ते तुम सारे स्ट्रेट ए लेकर आओ, और फिर जो तुम्हारा जो भी काम है उसके ऊपर वो तुम्हें इजाजत। बच्चा आके कहता है मैंने रात को 10 बजे नहीं 11 बजे आना है, आप कहें जरूर आप 11 बजे आ सकते हो बेटा, फिर थोड़ा सा वक्फा, उसके बाद लेकिन, उसके बाद जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपकी कंडीशंस हैं कि भाई तुमने फलां कमरा साफ नहीं किया था, या तुम्हारे वो वाले दोस्त मुझे पसंद नहीं, वो सारी बातें आपने जो भी बच्चों को बतानी है लेकिन या अगर के बाद उनको और जो कन्वे, हाँ बाद में बात करनी है, नो से सेंटेंस नहीं करना, क्योंकि फिर वो अटेंशन और बच्चे की माइंडसेट में फॉरेन से वो चीज आ जाती है कि माँ बाप ने तो कहना ही नो है। एक बात ये कि वो इसी वजह से आपके पास आए थे, उन्हें पता था 90% नो हो गया। अब जब माँ बाप ये स्ट्रेटेजी लेंगे तो उनको एक शॉक थेरेपी मिलेगी, माँ बाप ने यस कैसे कह दिया, उसके बाद फिर वो अपना जो भी काम मनवाना चाहते हैं, बच्चों की साइकी से जो है। अच्छा डॉक्टर शवाना, आपने कहा कि बच्चों की साइकी से और बात मनवाने के लिए पेरेंट्स की अपनी काउंसलिंग भी बहुत हद तक जरूरी है। ये काउंसलिंग हम उनके लिए ही कर रहे हैं। ये उनके, लेकिन ना कुछ पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते जनरेशन गैप की वजह से। मैं आपको क्योंकि वक्त बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है। पता है पहले मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा जी अल्कोहल ड्रग्स बच्चों को समझाओ, ये है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है, पैसा बहुत है, उसकी रेट रेस लगी हुई है, उसके ऊपर बात करें। लेकिन फिर मुझे लगा जितने लोगों ने, हमने कहा सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन एक तो मैंने आपको ये बताया माँ बाप को कि ये इस तरह की स्ट्रेटेजी, दूसरी जो मैंने आपको बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है माँ बाप के लिए, दिस प्रोग्राम इज टोटली फॉर देम, दे नीड टू अंडरस्टैंड द मैच्योरिटी लेवल ऑफ देयर किड्स। लाइफ की स्टेजेस होती हैं,
लाइफ के जो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर मैच्योरिटी के लेवल होते हैं. तो आज के माँ बाप को अगर वही आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तीन स्टेजेस बच्चों की समझ लें. जो एक टीनेजर बच्चा होता है उसकी साइकी को समझने के लिए आपका ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि उसको चाहिए क्या है. उसको चाहिए फ्रीडम, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए. इस एज में वो चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करना. वो एक नए नए घोंसले से जिस तरह से परिंदा उड़ना चाहता है ना, उनको एक नई आज़ादी मिली है. वो हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को जाके छूना चाहते हैं, वो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके एडवेंचर बन के, और जितना भी उनका पेयर प्रेशर है सारे वो काम कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, दे डोंट वॉन्ट टू, एक होता है ना फेयर ऑफ मिसिंग आउट, FMO, बाहर पीछे नहीं रहना चाहते. तो इसकी साइकी समझने के लिए आप ये समझ लें कि आपके बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कितना है, और उस मैच्योरिटी लेवल को समझते हुए आपने कैसे बच्चों को बिहेवियर को तब्दीली लानी. उसके लिए जो है वो हमने ग्राफ बनाया था इधर. बिल्कुल, हम चलते हैं उस तरफ और इस ग्राफ को भी देखते हैं. अच्छा जी, तो ये देखें आपका टीनेजर बच्चा जो है, ये है उसकी एज. अच्छा, ये खाली टीनेजर बच्चों के लिए ये बात नहीं हो रही, ये हर इंसान की जो है ना, किसी भी एडल्ट एज में भी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे उनके लिए एप्लीकेबल हैं. ये है एज. एज के साथ जो है ये है जी मैच्योरिटी, और बच्चों को चाहिए कंट्रोल. जैसे जैसे आपकी एज होती है आपको लाइफ में मच्योर होना, एक अकलमंद समझदार सेंसिबल बंदा जो है उसको मच्योर हो जाना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. वो एक अलग बात है कि बहुत सारे हमारे बहन भाई एक एज के बाद जाके भी मच्योर होते नहीं होते नहीं होते 40 साल के बाद भी उनका बिहेवियर ऐसा होता बच्चों वाला, चाइल्डिश. और वो आप सोचते हैं कि रियली इज ही 50 ईयर ओल्ड. हाँ, तो फिर ये होता है कि वो बच्चों वाला बिहेवियर कर रहे होते हैं. तो एज के साथ वैसे एक सेंसिबल बंदे को जो है, उसको कॉमन सेंस वाले बंदे को एज के साथ ये मैच्योरिटी आनी चाहिए. ठीक हो गया. और बच्चों को चाहिए कंट्रोल. ठीक है. एज के साथ कंट्रोल भी आता है, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो आपको अपनी लाइफ के ऊपर डिसीजंस करने के और कोई भी जिंदगी का जो होता है वो कंट्रोल आता है. ठीक है. अब जी आपने ये देखना है कि अगर ये मैच्योरिटी का लेवल 1 है, ठीक है, ये है लेवल 2. ठीक हो गया. ये है जी लेवल 3. ठीक है. तो जैसे जैसे एज होती है, जब बच्चा छोटा होता है 2 साल का या 3 या छोटा बच्चा जो होता है उसमें, जब ये लेवल 1 के जो बच्चे होते हैं वो छोटी एज के बच्चे हैं, उनकी एज बहुत छोटी है और उनके पास कंट्रोल नहीं होता, वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं. जिस तरह छोटे टॉडलर्स बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको बस एक खिलौना चाहिए तो उनको वो खिलौना ही चाहिए, चाहिए. फिर उन्होंने जिद कर लेनी है, फिर उन्होंने नीचे लेट जाना है, उन्होंने टांगे मारनी है, उन्होंने कहना है कि मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं माँ बाप की तरफ, उनको समझ नहीं होती, मैच्योर नहीं है ना. तो इस टाइम पे अगर आपका बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, उसका मैच्योरिटी लेवल बच्चों वाला है. अगर वो स्टेज 2 में है तो ये वाला बच्चा जो होता है 12-13 साल का बच्चा होता है, और इसका मैच्योरिटी, क्योंकि अब उसकी एज थोड़ी बढ़ गई है, तो उसका जो है वो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए होता है लाइफ में. उसके साथ उसका मैच्योरिटी लेवल 2 है. उसमें ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कि जिद तो नहीं करते, सेल्फिश भी नहीं इतने होते, लेकिन ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन डांट डपट के बाद होते हैं. मतलब अगर आप उन्हें कहें कि ये जो गार्बेज है ये कूड़ा बाहर फेंक के आ जाओ, तो उनका ये रिएक्शन होता है, ओ माय गॉड, मेरी बहन को कह दो, मुझे ही क्यों अम्मी, आप मुझे ही क्यों कह रहे हो, मुझे ही कहना है आपने. कोई उनको जिंदगी का काम कह दे, उन्होंने आगे से कहना है कि वाई मी, किसी और को कह दें. तो वो जो होते हैं आपको कोऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन उनका ये एटीट्यूड होता है व्हाटएवर, ये वाला एटीट्यूड होता है. तो उनका मसला ये होता है कि उनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो तीसरा लेवल होता है ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग वाले बच्चे हैं. इसके अंदर ये होता है कि ना सिर्फ ये कोऑपरेटिव होते हैं बल्कि ये इनिशिएट करते हैं. बिल्कुल. तो उसमें ये होता है कि अगर इस बच्चे को आप कहेंगे कि कूड़ा बाहर फेंकाओ या कमरा साफ करो, तो वो मैच्योरिटी का मजारा करते हुए चला जाएगा. थर्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी है. और ये बच्चे थोड़ी एज के साथ 12-13 साल वाला बच्चा अगर है तो वो कहेगा कि वो तो मैंने कल रात को ही फेंक दिया था, या वो कहेगा कमरा तो मैंने और साफ कर लिया था पहले, कोई और काम है मम्मी, वो आप बताएं. तो उनका जो मैच्योरिटी का लेवल होता है लेवल 3 होता है. आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है. अगर तो 2-3 साल वाला बच्चा है और वो इस तरह से हटधर्म है और टेंटम्स दिखा रहा है तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर 12-13 साल का बच्चा है और वो हटधर्म है और सेल्फिश है और इस तरह से नखरे दिखा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो लेवल 1 में है, दैट इज प्रॉब्लम. माँ बाप को समझना चाहिए कि उन्होंने 1 से फिर 2 पे उसको कैसे लाना है. बेस्ट तो ये है कि 2 से सारे के 1-2 से सारे बच्चे 3 में हों. ठीक है, बेस्ट तो ये है. यही है. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होते, होते नहीं. लाना कैसे है? अगर वो टेंट्रम्स शो कर रहे हों तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि माँ बाप को चाहिए कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि आप उनको पनिशमेंट करेंगे, इस बच्चे को समझ नहीं आएगी, इसका मैच्योरिटी का लेवल बहुत कम है. इसका ये मतलब हुआ कि आपने उस बच्चे को उसका कोई गैजेट, उसका फेवरेट,
उसको ले लें, टाइम आउट कर दें. आप उसे कहेंगे तुम कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, टीवी स्क्रीन जो है वो आप कहें कि वो तुम दो दिन के लिए नहीं देख सकते, या अगर उसका कोई फेवरेट दोस्त है वहाँ नहीं जा सकते. ये इनको थोड़ा सा पनिशमेंट करनी पड़ेगी. पनिशमेंट का मतलब फिर मार कुटाई नहीं है. मार कुटाई से तो आजकल को बच्चा मान ही नहीं सकता. ये सिर्फ आपको उनकी कंडीशनिंग करनी है कि आप इस कंडीशन पे ये कर सकते. ये माँ बाप को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का मैच्योरिटी का लेवल क्या है और मैंने उसको डील कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा. अब ये वाला बच्चा जो था ये आपके साथ कोऑपरेटिव था, आपने इस बच्चे को समझाना है कि कैसे उसने कम्युनिकेशन से, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन गैप आता है. आप उनको समझाएं जो मैंने आपको पहले बताया था, वो कोऑपरेट करेंगे. ठीक हो गया. ये वाला बच्चा तो बहुत ही ब्लेसिंग है. सारे माँ बाप को चाहिए कि सारे बच्चों को कॉन्सिक्वेंस से, कम्युनिकेशन से, इस वाले बच्चे पे कंसल्टेशन का ही मतलब है कि जब वो आपको पॉजिटिव बिहेवियर देता है तो आप उसकी शाबाशी दें, उसको रिवॉर्ड करें. लवली. कंसल्टेशन का ही मतलब. लवली. दर्शाना कोई मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से, पेरेंटिंग स्किल्स के हवाले से, बच्चों के जो प्रॉब्लम है, माँ बाप को किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीजें कोई मैसेज फॉर्म में आप देना चाहें. मैं आपको फिर यही कहूंगी जो मैंने आपको पहले कहा था कि माँ बाप को चाहिए कि वो समझें कि बच्चों का मैच्योरिटी लेवल क्या है. अपने ऊपर काम कीजिए, बच्चे अदरवाइज आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे. एक छोटी सी बात प्रोग्राम खत्म होने से पहले, बच्चे होते हैं पतंग की तरह, जिस तरह जो होता है ना पतंग आप उड़ाते हो तो पतंग दूर जाती है, आप उसको ढील देते हो. बच्चों को थोड़ा एक्सप्लोर करने दो. वो चाहते हैं कि एज के साथ थोड़ी आज़ादी आए, अपने डिसीजंस वो खुद लें. आप उनको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए ताकि वो अपने डिसीजंस मच्योरली खुद कॉन्शियसली ले सकें. अगर आप बचपन में उनको स्नब करते जाओगे और वो अडल्ट हो जाएंगे और आपने उसके लिए तैयार नहीं किया तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो दे आर नॉट गुड एडल्ट्स. वो जो है अपने डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि आपने उनकी सुबह ट्रेनिंग नहीं ऐसी की. अब वो जो आप ढील देते जाते हो कभी कभी होता है कि आपको लगता है बच्चा बेरारवी या कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींचते हो. अगर आपको कभी गुड्डी उड़ाई ना पतंग, अगर तेजी से ये तुनका करोगे तो वो टूट जाएगी और वो कहीं जाके गिर जाएगी तो आपको पता नहीं वो कहाँ जाके गिरेगी. तो ये पतंग जो है ना, इसका उड़ाने की स्किल जो है ना, इट्स जस्ट लाइक ट्रेन. आपका जिस तरह बच्चे होते हैं उनको पालने का भी स्किल्स होते हैं. माँ बाप को खुद समझना चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए तो बच्चे तो जो बच्चे होते हैं वो सीख जाते हैं. और शायद जनरेशन गैप भी इसी तरह से कवर हो सकता है. इस तरह ही अगर माँ बाप बच्चों को समझें कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है और उनको ट्रीट कैसे करना है, जिद से मार पिटाई से कुछ नहीं होना. आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं और उनको कन्विंस करना है किसी चीज के लिए, समझाने के लिए पेरेंट्स को भी शायद उसी फॉर्म में आना होता है. क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं जी आजकल बड़ी बेरारवी है, हम ये डिजिटल और ये वो, इट्स अ ब्लेसिंग. अगर इसको आप यूज करते हैं सही तरीके से तो बच्चों का नॉलेज इंक्रीज होता जा रहा है. और ये है कि अगर माँ बाप पीछे रह जाएंगे, अदब अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन बच्चों को जो है वो इंक्विजिटिव है, वो अपने ड्रीम्स को परसू करना चाहते हैं, उनके पैशंस हैं. जमाना बदल गया हुआ है तो ये है कि ये सारी चीजें टाइम के साथ, माँ बाप अगर नहीं बदल सकते कम से कम रिसेप्टिव हो, अंडरस्टैंड करें, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी शो करें. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत सारी चीजें केटर भी हो जाती है. बच्चे को आप प्यार की जबान से बहुत कुछ समझा सकते हैं. राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शवाना, बहुत शुक्रिया. और जनाब डॉक्टर शवाना हमें ऑन एंड ऑफ ज्वाइन करती रहेंगी क्योंकि अभी तो ये फिलहाल पाकिस्तान में है और हमने इनसे कह लिया कि आप आकर हमें इस तरह के काउंसलिंग सेशन जरूर दिया करें. डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म ऐसा है हमारे पास, हम समझते हैं कि हम आपको बहुत सारी चीजों के लिए गाइड कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो बच्चे. तो हम डॉक्टर शवाना का शुक्रिया अदा करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी हम उनको दोबारा शो पर देखेंगे. जब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास और भी मेहमान होंगे और शहर लाहौर में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.